आप भी समझ लो कि इस टिकट का कोई वजूद नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, ये खत्म है। पीडीपी को खुद पीडीपी की लीडरशिप ने खत्म किया हुआ है। हमने कोशिश की इसको जिंदा करने की, लेकिन उन्होंने खुद इसको खत्म किया हुआ है। और इस इलेक्शन में आप देखोगे इनका कोई वजूद ही नहीं होगा, ये सिर्फ गुमराह करते हैं लोगों को। और इसकी टिकट वो जैसे फुटबॉल की किक एक से दूसरे को, दूसरे समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से बाल गई उसमें डी के पास और वहां से बस। मैं इनसे भी कहूंगा, लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, यहां हो सकता है अभी भी कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि पीडीपी कोई जमात है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इनका कोई वजूद नहीं होगा। अगर कोई जम्मू कश्मीर में एक दो तीन सीटें इनको मिल भी गई तो सिवाय चीखो पुकार के इनकी कोई बात नहीं सुनेगा। ये एक जमात है जिसको 5 साल तक हिंदुस्तान में हुकूमत में रहना। हमारे यहां मसाइल हैं। मेरा मसला चक्कांदा बाग हरगिज नहीं है, मेरा मसला यहां की सड़कें हैं, यहां के अस्पताल हैं, यहां के स्कूल हैं, यहां के कॉलेज हैं, यहां के बच्चों का रोजगार है। यहां वो मेरी बहनें बेटियां जो उस आंगनवाड़ी में नौकरी करती हैं 5,000 रुपए पे, या पीएचई में मेरे अजीज बरखुदार और भाई जो नौकरी करते हैं 5,000 रुपए पे, जो इस तरह की जो वो आप कह लीजिए मुशायरा जिसको बोलते हैं शायद ऑनरेरियम पे काम करने वाले लोग, उनकी नौकरियों को पक्का कराने का मसला।